ये मैंडेटरी है, नहीं तो भारत फिर अपने हिसाब से पानी कम कर सकता है, रोकेगा नहीं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ पानी रोकने का समय है, पर पानी कम कर सकता है। इसीलिए मैंने आपको पाकिस्तान की पहले पानी की पोजीशन बताई, पाकिस्तान की पानी की पोजीशन क्या है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ऐसी स्थिति में कैन पाकिस्तान अफोर्ड दिस फियास्को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो पाकिस्तान को चाहिए जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो केसेस लगाए इनको ख़त्म करें, और भाई बोले कि हमारी हमारे वी आर हैप्पी विद द ट्रीटी, तो तब संभावना है कि ये पंडोराज बॉक्स नहीं खोलेगा। और अभी माधु जी तीन नदियां जो डायरेक्ट आ रही है, अभी बात तो उस पर भी होगी ना कभी ना कभी, अभी डायरेक्ट तो आ बिल्कुल रही, कब तक आएंगी, कहाँ तक आएंगी, या तो इतना वाटर शेयरिंग तो तीन की बात हो रही है, पर जो तीन डायरेक्ट आ रही है उन पे भी तो बात हो सकती है। आप छह नदियों को खोल रहे हो, छह नदियों का आप पंडोराज बॉक्स खोल रहे हो, आई डोंट थिंक इट इज एडवाइजेबल फॉर पाकिस्तान। बाकी पाकिस्तान की मर्जी, वो कुछ भी करे, पर मेरे हिसाब से एडवाइजेबल नहीं है। बाकी आप जानते हैं पाकिस्तान में अब किसकी चलती हो तो कुछ नहीं पता, बट हाँ जिनकी भी चलती है उन तक अगर ये मैसेज आए दिस ट्रीटी इज इन फेवर ऑफ यू, ट्रीटी राइट रेनेगोशिएट होगी तो भारत का फायदा है, मैं 100% लिख के दे सकता हूँ। बिल्कुल जी। और सर अगर हम आज के हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलें, थोड़ा सा हम उस पर भी बात कर लेते हैं कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस कोई मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है, वो क्या है? देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस यानी कि मैं उसे कहूँगा सेमी बुलेट ट्रेन ऑफ इंडिया। उसकी स्पीड अच्छी खासी होती है, मॉडर्न ट्रेन्स हैं, इंडिया में बनती हैं, इंजन हमने यहाँ बनाया, पूरी 100% मेक इन इंडिया ट्रेन है ये। पहले टाइम एक टाइम ऐसा था कि दुनिया में कुछ चार या पांच कंपनी वो इसलिए जिंदा थी, वो हमें डीजल इंजन देती थी और डीजल इंजन यही चलते थे। आज आज की परिस्थिति है वो सारी कंपनियां बंद हो गई, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 100% ट्रैक, 99.9% कहीं छोटा मोटा इधर हो गया रह गया, दैट इज इलेक्ट्रीफाइड। सो वी डोंट यूज डीजल, वी डोंट यूज फॉसिल फ्यूल्स एनी मोर, डीजल और हम कोयला यूज नहीं करते, इलेक्ट्रिफिकेशन सारे रूट्स का हो गया। इंडियन रेलवेज इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। इंडियन रेलवेज करीब जो जितना कंट्री में पावर प्रोडक्शन होता है 2% कंज्यूम करता है, और इंडियन रेलवेज आपको बता दूँ इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, क्योंकि रेलवे के पास जो लैंड बैंक्स हैं, ट्रैक के आसपास की जमीन रेलवे की होती है, जो ट्रैक जो उसके पास लैंड बैंक्स है वो सबसे ज़्यादा है। तो इंडियन रेलवे आई थिंक सेकेंड और थर्ड बिगेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड एज वेल। तो ये सब चल रहा है। अब इसमें क्या था, रेलवे वॉज नॉट प्रॉफिट मेकिंग कुछ टाइम पहले तक, बट अभी रेलवे का जो पीछे रेवेन्यू है डेट इज इंक्रीज में 40%। अश्विनी वैष्णव जी बड़ा अच्छा काम करते हैं और ही हैज़ बीन इन टू दिस इंडस्ट्री, वो एलस्ट्रॉम के सीईओ भी रह चुके हैं, तो उन्हें ये काम बहुत अच्छी तरह से आता। अभी मैं आपको बता दूँ वंदे भारत जो है दैट हैज़ मेड ट्रांसपोर्ट ईजी। ये लगभग ऐसी ट्रेन है कि अगर आज आपको छोटी डेस्टिनेशन में जाना, यू विल कम्पीट बिटवीन एयरोप्लेन एंड दिस, क्योंकि एयरोप्लेन में आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है, फिर वापस एयरपोर्ट पहुंचने का 1 घंटा, फिर डेस्टिनेशन पहुंचने का 1 घंटा, तो ये 3 घंटे में आपको पहुंचा देती है। तो एयरोप्लेन ब्रेन माइट माइट टेक हाफ एन आवर ओनली, बट एट लॉट ऑफ डेस्टिनेशन दिस इज अ मच बेटर ऑप्शन। अभी क्या हुआ कि हमने करीब 547 जो है वंदे भारत एक्सप्रेस हम का नेटवर्क बिछेगा पूरे इंडिया में, और हर महीने दो चार इनॉग्रेट हो रही है। अभी मोदी जी ने अभी मोदी जी जाके करने वाले हैं इनॉग्रेट दो और को, पीछे उन्होंने कर ली थी, तो जो जिस दिन उसकी उनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ था तो उस दिन भी